कटौती और लो वोल्टेज के लिए ग्रामीणों द्वारा 15 मई से शुरू की जाने वाली भूख हड़ताल अब चुनाव नतीजे तक टल गई है। देवभोग एसडीएम द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर भूख हड़ताल की अनुमति नहीं देने के कारण ग्रामीणों को ये निर्णय लेना पड़ा है। भूख हड़ताल की अनुमति के लिए ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को देवभोग एसडीएम से मुलाकात की थी। एसडीएम द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद ग्रामीणों ने आचार संहिता खत्म होने के बाद आंदोलन करने की बात दोहराई थी। ग्रामीणों ने बताया है कि वे बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बेहद परेशान हैं। अब जब उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे शांत नहीं बैठने वाले। 27 तारीख को टेंडर खुलेगा और निसंदेह वो टेंडर आपके पक्ष में खुल रहा है और 25 से शुरू होगा, लेकिन हमारे जो श्रमिक भूख हड़ताल जो है 15 तारीख शुरू होने वाली थी, तो एसडीएम साहब का कहना है कि 144 धारा लगा हुआ है, अपने क्षेत्र को बिल्कुल नहीं मिल पाया जिसमें से बिजली मुख्य समस्या है और बिजली इतना ज़्यादा परेशान कर चुका है हमारे सब लोगों को कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130